हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि एंगुलर में अपना करियर बनाएं, तो आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको एंगुलर की बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ ही साथ एंगुलर की लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए आपको हमारे वेबसाइट sahossoft.com पर जाना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जल्दी ही इनरोलमेंट करिए। थैंक यू। जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने एंगुलर मटेरियल का कंसेप्ट देखा कि एंगुलर मटेरियल किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और एंगुलर में किस तरीके से यूज करते हैं, मीन्स कि एंगुलर में हम एंगुलर मटेरियल किस तरीके से यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और किस तरीके से हम अपने वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना लेते हैं एंगुलर मटेरियल की हेल्प से, राइट। और आज दोस्तों जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें ये देखेंगे कि रिएक्टिव फॉर्म पर हम एंगुलर मटेरियल का कैसे यूज करते हैं, मींस कि रिएक्टिव फॉर्म किस तरीके से एंगुलर मटेरियल के हेल्प से डिजाइन करते हैं, राइट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल का स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा रिएक्टिव फॉर्म के बारे में, आपका माइंड थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा आपको कि रिएक्टिव फॉर्म के बारे में। अगर आपने नहीं देखा होगा रिएक्टिव फॉर्म वाला वीडियो, तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि रिएक्टिव फॉर्म होता क्या है, राइट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर में दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म, दूसरा होता है रिएक्टिव फॉर्म, राइट। टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म में हम बहुत छोटे लेवल का काम करते हैं, क्योंकि जो भी वर्क होता है हम टेम्पलेट पर ही वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और जहाँ भी ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की बात आती है, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट की बात आती है, तो वहां पर हम रिएक्टिव फॉर्म ही यूज करते हैं, क्योंकि जो भी वर्क होता है हमें कंपोनेंट पर करने का मिलता है, तो इससे क्या होता है, जो भी वैलिडेशन होता है, जो भी वर्क होता है, सारा चीज हम कंपोनेंट पर करते हैं, तो ये ज्यादा कंट्रोल होता है फॉर्म पर, इसलिए हम रिएक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म बहुत ही यूज होने वाला चीज है, बहुत ही मोस्टली यूज किया जाता है इसको, राइट। और कंपेयर टू टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म्स आर मोर सुटेबल बिकॉज वी कैन डिफाइन वैलिडेशंस एंड मॉडल फ्रॉम कंपोनेंट, इट दैट गिव्स अस मोर कंट्रोल ऑन फॉर्म, राइट। दोस्तों, एक चीज और आपको बताते चलो कि इसको हम मॉडल ड्राइवन फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी होता है ये मॉडल ही एक्ट करता है मीडिएटर का कंपोनेंट और टेम्पलेट के बीच में, राइट। दोस्तों, ये बहुत इजी होता है इंप्लीमेंट करने में। दोस्तों, इट्स रियली इजी टू इंप्लीमेंट लाइक यूजिंग मॉडल इन कंट्रोलर विथ फॉर्म कंट्रोल ऑब्जेक्ट एंड बाइंडिंग इट टू कंपोनेंट फॉर्म कंट्रोल टेम्पलेट, राइट। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रैक्टिकल को। अब देखते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म पर हम एंगुलर मटेरियल का डिजाइन कैसे करते हैं, राइट। तो दोस्तों, इसको आप लास्ट तक अच्छे से देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अब आप भी अपने फॉर्म पर एंगुलर मटेरियल का डिजाइन करने लगेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को, चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि कोई भी कंपोनेंट यूज करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना होता है, तो अब हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में रिएक्टिव फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक्स्ट्रा ये यूज किया है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को हमने app.module.ts फाइल में इंपोर्ट कर लिया है फॉर्म्स लाइब्रेरी से, राइट। बाकी सब उसी एज इट इज है, और रिएक्टिव फॉर्म को यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर रखा है इम्पोर्ट्स के अंदर, राइट। बाकी सब एज इट इज है, पिछले वीडियो में जैसे हमने मटेरियल के सारे मॉड्यूल जो के मेन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, हमने इंपोर्ट कर रखा है और एक्सपोर्ट कर रखा है यहाँ पर, राइट। तो app.module.ts फाइल में अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपने उस पेज पर रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लें, उसके बाद हम चलते हैं HTML पेज पर, राइट। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एज इट इज वही हमने ले रखा है, और जहां पर चेंज किया हमने वो आपको बताता हूं मैं। यहाँ पर फॉर्म के अंदर, वहां पर सिंपल फॉर्म हमने लिया था, यहाँ पर फॉर्म के अंदर हमने फॉर्म ग्रुप लिया, जो कि आपको अगर हमारा वीडियो आपने देख रखा है रिएक्टिव फॉर्म वाला, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि फॉर्म ग्रुप के अंदर हम एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल लेते हैं जिसको हम असाइन करते हैं, तो उसका फॉर्म ग्रुप का जितने भी कंट्रोल होता है इसके अंदर आ जाता है, जिसका हमने नाम रखा है रेजी फॉर्म, मीन्स की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ने बना रखा है, और ऑन सबमिट इवेंट बनाया हमने उसके अंदर रेजी फॉर्म डॉट वैल्यू को डाल दिया, मीन्स कि इसके जितने वैल्यू होगा वो हमारे TS फाइल पर मिलेगा जब हम इसके बटन पर क्लिक करेंगे, इवेंट फायर हो जाएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है कि जैसे ये हमने यहाँ पर जैसा आपको बताया था कि एंगुलर मटेरियल पर जाकर मैं दिखाता हूँ आपको,
यहाँ पर material.angular.io पर जाते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स जैसे इनपुट है, तो इसका यहाँ से आप कोड उठा सकते हैं, इनपुट बॉक्स का यहाँ पर जाकर कोड आप ले सकते हैं। उसी तरीके से हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये फॉर्म का एक अलग से फर्स्ट नेम का लिया, और उसमें एक्स्ट्रा हमने जो किया है दोस्तों यहाँ पर वैलिडेशन यूज करने के लिए मैट एरर को यूज किया, जो कि मेटेरियल का है, और उसके अंदर हमने स्पैन के अंदर ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों रिएक्टिव फॉर्म वाले वीडियो में कि एनजी इफ के अंदर हम इसको चेक करते हैं कि फर्स्ट नेम जो ये है कंट्रोल नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम का जो फर्स्ट नेम अगर वैलिड है और टच है इनवैलिड है, मतलब यहाँ पे कि नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये हमें देगा क्या कि प्लीज इंटर फर्स्ट नेम, राइट। टच करके जैसे हम निकलेंगे तो आप दिखाऊंगा मैं कि ब्राउजर में कैसा इफेक्ट होता है, अगर उसमें चले गए हम टेक्स्ट बॉक्स में हम टच कर दिए विजिट कर लिए और उसमें कुछ हमने टाइप नहीं किया तो रेड कलर का आ जाएगा, लिखेगा कि प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम, राइट। उसी तरीके से हमने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, जो भी कंट्रोल आप ले सकते हैं यहाँ पे, या तो आप टाइप कर सकते हो, उतना याद नहीं रखना चाहते तो आप डायरेक्टली एंगुलर मटेरियल वाले पेज पर जाकर यहाँ पर दूसरा फिर यहाँ पर फॉर्म ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे आप, राइट। उस फिर वैलिडेशन लगाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एड्रेस के लिए लिया। उसी तरीके से जो भी दोस्तों आपको लेना होता है, जैसे चेकबॉक्स हुआ, हमने चेकबॉक्स भी इसमें डेट पिकर हुआ, राइट। तो डेट पिकर भी आप यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए डेट पिकर, राइट। डेट पिकर ये है, या इसका कैसा दिखता है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस तरीके से खुलेगा, तो इसका कोड आप यहाँ से ले सकते हैं, इसी को हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया ताकि टाइम बचे, ज़्यादा कोडिंग ना करना पड़े, राइट। तो आप वहाँ से उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आप याद रखिए कि आप एंगुलर मेटेरियल डॉट एंगुलर डॉट आईओ है, उसमें बाद हम कंपोनेंट में जाते हैं, उसके बाद सारे यहाँ पर कंट्रोल आपको दिख सकते हैं, स्लाइडर लेना है, रेडियो बटन लेना है, चेकबॉक्स लेना है, यहीं से सारे चेकबॉक्स लेना है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं तो इसका कोड आप यहाँ से ले सकते हैं, ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर सारा लेकर एक फॉर्म बनाया, हमने ड्रॉप डाउन भी ले रखा है, तो ड्रॉप डाउन भी वहां से कंपोनेंट आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर बटन ले लिया है जिस पर हम क्लिक करेंगे, राइट। तो पहले हमने वैलिडेशन जब बता रहे थे हम पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर यही होता है कि पहले डिसेबल करते हैं, अगर फॉर्म इनवैलिड है तो डिसेबल रहेगा बटन, जैसे ही वैलिड हो जाएगा ये इनेबल हो जाएगा। तो ये सबमिट का बटन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा छोटा करूँ ताकि थोड़ा स्क्रीन आपको अच्छे से दिखे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो ये सारा चीज़ हमने ले लिया, ईमेल के लिए ले रखा है, इस पर हम ईमेल का वैलिडेशन लगा रखा हमने, राइट। तो ये सारी चीजें हमने किया, उसके बाद बात आती है कि हम इसका डेटा अपने टीएस फाइल पर कैसे ले जाएं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन रखा है एनजी सबमिट इवेंट पर, तो इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे एप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टीएस फाइल पर, राइट। तो यहाँ पर जो हमने किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिएक्टिव फॉर्म यूज करने के लिए सब फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप, वैलिडेटर, वैलिडेशन के लिए फॉर्म मॉड्यूल और एनजी फॉर्म आपको ये चीज इंपोर्ट करना होगा, राइट। इंपोर्ट करेंगे तभी आप यूज कर पाएंगे वैलिडेटर को और फॉर्म ग्रुप को, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनजी फॉर्म के लिए बनाया फर्स्ट नेम का सबका हमने एक एक बना लिया अपना वेरिएबल। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर्म बिल्डर लिया, फॉर्म बिल्डर में हमने ग्रुपिंग किया और ग्रुपिंग को जितने भी कंट्रोल है उसमें हम वैलिडेटर लगा दिया हमने, लाइक वैलिडेटर हमने बता दिया है आपको पहले ही, तो वैलिडेटर सिंपल रिक्वायर्ड के लिए है, ये रिक्वायर्ड के लिए वैलिडेटर कंपोज हमने कर दिया, जब कंपोज तब करते हैं दोस्तों हमें मल्टीपल वैलिडेशन लगाना पड़ता है एक ही चीज पर, राइट। तो यहाँ पर हमने कंपोज किया पहला तो रिक्वायर्ड लगाया, उसके बाद मिनिमम लेंथ इतना होना चाहिए और मैक्स लेंथ इतना होना चाहिए, मीन्स कि हमें यहाँ पर तीन तीन वैलिडेशन यूज किया है तो इसलिए हम यहाँ पर कंपोज लगा लिया हमने, राइट। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पर रिक्वायर्ड कर दिया, फिर ईमेल पर हमने कंपोज कर दिया, एक तो रिक्वायर्ड कर दिया भाई वैलिडेटर ईमेल लगा दे, एक ईमेल होना ही चाहिए, सिंपल अगर हम कुछ टेक्स्ट डालते हैं तो उस पर भी दिखाए कि ये वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, राइट। उसके बाद ऑन चेंज हमने बनाया, ऑन चेंज पर हमने चेक किया कि इवेंट चेक किया कि ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है तो ये ऑन चेंज आप देख सकते हैं, हमने मेथड है यहाँ पर जहाँ पर हमने कॉल किया है HTML पर देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये ऑन चेंज है यहाँ पर,
इवेंट हमने बना रखा है, इसके अंदर इवेंट पास किया जो टर्म एंड कंडीशन चेक करने के लिए है, तो उस पर हमने ये लिया है यहाँ पर टीएस फाइल में कि इवेंट डॉट चेक ट्रू है तो एक्सेप्टेड होगा, इल्स वो जीरो हो जाएगा, राइट। उसके बाद एनजी सबमिट पर बस हम एनजी फॉर्म को यूज कर रहे हैं, कंसोल में राइट कर ले रहे हैं कि जो हमारा डेटा आएगा वो राइट हो जाएगा हमारे कंसोल में, राइट। तो अब इसको हम रन करा कर दिखाते हैं आपको कैसा इफेक्ट दिखता है इसका, राइट। और स्टाइल की बात करें तो वही इसका जो बाय डिफॉल्ट थीम होता है वो हमने थीम लगा रखा है, राइट, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो जैसे ही इसको हम रन कराएंगे, सेव करेंगे, जैसे ही एक्टिवेट होगा ब्राउजर, तो ब्राउजर में जाकर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोकल होस्ट और बाय डिफॉल्ट जो इसका होता है 4200 इसका जो होता है पोर्ट, उस पर हम रन कराएंगे और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये फॉर्म पर जितना भी हमने टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिया सब कुछ आ चुका है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं जो बटन है हमारा ऑलरेडी डिसेबल है, क्योंकि हमने ये जो फॉर्म है अभी वैलिड नहीं है, तो हमने यहाँ वैलिडेशन लगाया था टच वाला। यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट नेम आ गया, अगर इसको हम कुछ बिना लिखे अगर बाहर क्लिक इसमें चले जाते हैं तो ये देखिए वैलिडेशन इसका काम कर रहा है, बोला प्लीज इंटर फर्स्ट नेम। जैसे ही इसमें देखिए इसको भी हमने कुछ नहीं किया, इसमें आ गए तो यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा और लास्ट नेम में जाएंगे तो इसका देखिए वैलिडेशन काम कर वैलिड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद एड्रेस इसको भी टच लगा रखा है, इसमें एड्रेस कुछ आप दे सकते हैं जो भी हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने मिनिमम हमने लगा रहा है 10 होना चाहिए, राइट। तो इसके बाद आप कुछ भी लगा लीजिए, जैसे तो देखिए आप काम करना शुरू कर दिया, अगर 10 से कम रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, बोलेगा कि वैलिड नहीं है। इसके बाद कुछ भी लगाएंगे ये काम करेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि सबमिट बटन अभी तक इनेबल नहीं हुआ, ये तभी इनेबल होता है जब पूरा फॉर्म आपका वैलिड हो जाएगा, सब कुछ सही वैलिडेशन काम करेगा, राइट। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के डेट पिकर हम लगा रहेगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से कैलेंडर खुलेगा। ये रिएक्टिव फॉर्म पर एंगुलर का जो डिजाइन आ रहा है उसका इफेक्ट है ये, आप देख सकते हैं किस तरीके से इफेक्टिव दिख रहा है कैलेंडर। अब अगर हम सिंपल यूज करते हैं तो छोटा सा कैलेंडर वहीं पर ओपन हो जाता है, बट ये एंगुलर मटेरियल का जो इफेक्ट है वो दिख रहा है आपको यहाँ पर, राइट, कि रिएक्टिव फॉर्म पर हमने एंगुलर मटेरियल यूज किया है, राइट। तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए ड्रॉप डाउन कितना सिंपली और इजीली यूज हो जा रहा है, जो कि मटेरियल का इफेक्ट है। यहाँ पर इसको हमने चेक किया और ईमेल आईडी में हमने कुछ लिखा तो देखिए अभी बोल रहा है कि प्रोवाइड प्रॉपर ईमेल आईडी, तो जैसे हम ये लगाएंगे @, उसके बाद जैसे लिखेंगे तो बोल देगा कि यहाँ पे यूज लाइक, ये हमें बता भी रहा है हमारे पर कि किस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद अभी भी ये सबमिट इनेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी यह टर्म एंड कंडीशन हमने चेक नहीं किया। जैसे ये करेंगे देखिए सबमिट बटन हमारा इनेबल हो गया, राइट। मीन्स कि देखिए ये थीम सारे जगह काम कर रहा है पिंक वाला, राइट। अभी मैं थीम चेंज करके भी आपको दिखाऊंगा तो ये थीम चेंज हो जाएगा सारे जगह। जैसे हम इस पे सबमिट करेंगे दोस्तों, हमने सबमिट किया और इसका हम कंसोल के अंदर जाकर देख सकते हैं क्या क्या डेटा आया है। यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स नहीं, यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में जाएंगे। कंसोल के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि एड्रेस में ये आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, ईमेल आईडी, ये देखिए आपको लग रहा होगा फर्स्ट नेम ऊपर है तो फर्स्ट नेम ऊपर आई, अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग करके आता है, राइट, ABC इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर, एड्रेस ऊपर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, देख लीजिए हमने सिलेक्ट किया था ईमेल में जो हमने डाल रखा था फर्स्ट नेम मेल लास्ट एक्सेप्टेड लास्ट नेम प्लेलिस्ट इग्नोर फोर, ये सारी चीजें मीन्स कि हमारे कंसोल में आ गया, टीएस फाइल पर आ गया, राइट। यहाँ पर हम वही देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा था टीएस फाइल में, यहाँ पर कंसोल मीन्स कि यहाँ पर इस फॉर्म में आ चुका है आपका सारा डेटा। अब आप इस डेटा को अपने API या फिर अपने कहीं भी यूज करना, इंसर्ट करना है, जो भी करना है आप यूज कर सकते हैं, राइट। मीन्स कि हम रिएक्टिव फॉर्म में व्यू पेज से HTML पेज से हम अपने टीएस फाइल पर लेकर डेटा आ गए, हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम लॉग में प्रिंट करा कर दिखा रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डेटा आ चुका है, इसको आप सिंपली यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है दोस्तों कि रिएक्टिव फॉर्म में हम एंगुलर मटेरियल को कैसे यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा फिर मैं आपको इस थीम भी चेंज करके एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर हम इसको
यहाँ पर हम कंट्रोल सी करेंगे, कमेंट हो गया, और इसको हम कर लेंगे कंट्रोल यू, अनकमेंट हो गया। उसके बाद हम सेव करेंगे इसको। अब आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं ब्राउजर में, थीम चेंज हो जाएगा तुरंत। देखिए थीम चेंज हो गया, हर जगह चेंज होगा। यहाँ भी करेंगे, देखिए यहाँ भी इसका भी चेंज होगा। सारा डेटा अगर हम डाल देते हैं तो बटन का भी वही कलर वही थीम आ जाएगा आपका। देखिए कितना अच्छा सा सब कुछ ओपन हो रहा है। उसके बाद हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया, उसमें हमने ईमेल आई डाल दिया। इसको देखिए इस पे भी वही थीम अप्लाई हो गया, मीन्स कि पूरे फॉर्म का हमने जो मेन सीएसएस होता है स्टाइल उसमें हमने डाल रखा है, पूरे प्रोजेक्ट का थीम चेंज कर देगा। तो ये होता है दोस्तों कि आपको ऐसा लग रहा होगा कितना इजीली यूज कर ले रहे हैं हम इसको, एंगुलर मटेरियल को अपने रिएक्टिव फॉर्म पर, और कम कोडिंग में हमारा फॉर्म एकदम बिल्कुल से अट्रैक्टिव हो जाता है। तो हमारा वेब पेज या एप्लीकेशन बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखेगा, एक अलग दिखेगा। तो ये होता है एंगुलर मटेरियल, राइट। तो दोस्तों आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इसको देखें और इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले थैंक यू सो मच दोस्तों।